हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे खुशी पोल्ट्री व्लॉग्स में। दोस्तों आज अपने बर्ड्स जो हैं फाइनली 10 दिन के कवर हो चुके हैं और आज तक जो अपनी मॉडल्टी टोटल हुई है 41 मॉडल्टी हुई है। ठीक है दोस्तों, आज हम जो है बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दोस्तों आज जो है हम इनको बिना सीलिंग के बर्ड्स को पूरे फार्म में जगह देंगे। जहाँ तक सीलिंग लगी हुई है दोस्तों उसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, इसी कंडीशन में रखेंगे, लेकिन बाकी जो स्पेस जो बचा पड़ा है पीछे तो उसको जो है हम बिना सीलिंग के ही बर्ड्स को खुले में छोड़ेंगे, क्योंकि अभी जो है 350 ग्राम बॉडी वेट बर्ड्स का है। तो अब जो आज का एक दिन जो है हमें परेशानी उठानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि रात को बर्ड्स में क्या कंडीशन रह रही है। अगर हैंडलिंग हो रही है तो हमको मटकी भी चलानी पड़ सकती है क्योंकि ठंड ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन इनको जो है खुले में लाना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर अपन को पैक ही पैक रखेंगे दोस्तों तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि इनके अंदर एसआईटीज बनना चालू हो जाएगी, तो एसआईटीज अपने बेच को बिगाड़ देती है दोस्तों। तो उससे बचने के लिए हमको ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। बर्ड्स का जैसे ही बॉडी वेट 350 प्लस आता है उसको धीरे धीरे अपन को पर्दे को खोलना है। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि यार पर्दे को कितने दिन पे खोलना चाहिए, वो वाला पर्दा अगर हवा नहीं है तो धूप वाला पर्दा तो अपन फर्स्ट डे भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छी धूप आ रही है, अगर धूप नहीं है हल्की हवा है तो 3 दिन तक जो है अपन को बिल्कुल पर्दे नहीं खोलने हैं सर्दी के मौसम में। बाकी दोस्तों क्या है कि अपने यहाँ पे जो कंडीशन ऐसी है कि रात को ठंड है तो मैं साइड में जो त्रिपाल है त्रिपाल के अंदर एक त्रिपाल और लगा के अच्छी पैकिंग करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा जगह जगह से फट रहा है। ठीक है ना, इधर वाला त्रिपाल है वो तो अच्छा नया लगा दिया मैंने, इसकी टेंशन नहीं है, फिर भी उसके अंदर मैं एक पर्दा और लगाऊंगा और ये खुला रहेगा पूरा एरिया। जहाँ सीलिंग लगी हुई है वहाँ सीलिंग रहेगी, और जहाँ लाइटें पहले उस साइड में थी सीलिंग के नीचे तो उसको जो है हम 20 सेंटर में कर देंगे, ताकि क्या है बर्ड्स जो है पूरे में रोशनी अच्छे से होगी तो प्रॉपरली वो उसमें रह पाएगा। 2-3 दिन ये कंडीशन देखेंगे दोस्तों, अगर प्रॉपरली बच्चा अच्छे फीड इंटेक कर रहा है और वाटर इंटेक कर रहा है तो फिर उसके बाद में हम इस सीलिंग को भी खोल के एक जगह बेड़ी कर देंगे वहीं, क्योंकि नेक्स्ट बैच में फिर चाहिए तो हम नीचे नहीं उतारेंगे उसको, वहीं जो स्टेबलाइजर लगाया था हमने उसको खोल करके वहीं इकट्ठी करके वहीं रख देंगे, ताकि अपनी जो है अमोनिया गैस निकलती रहे और हवा लगती रहे। तो अपन को ये कंडीशन धीरे 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 बच्चे के अंदर करनी है, एकदम से नहीं करनी है। तो मैंने रात को जो है 12-1 बजे तक मैंने खुला रखा ये पर्दा, फिर मेरे को लगा हल्की ठंड है तो फिर मैंने इसको बंद किया था। तो दोस्तों अब जो है आपको पहले भी हमने स्पेस दिया था उसकी वीडियो डाली थी, तो उसमें काफी लोगों ने कमेंट्स किया था कि यार आप स्पेस किस तरह दिया था वो बताएं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम रेगुलरली पूरी चीज दिखाने वाले हैं दोस्तों। पहले तो हमने बुरादा डाल दिया, देखिए आप एक बार बुरादा डाल दिया है, और ये जो ऑटो ड्रिंकर है हमने चालू कर दिए लगभग सारे। ठीक है ना, और अब इसके अंदर जो है हम चिक्स फीडर रखेंगे, चिक्स ड्रिंकर भी रखेंगे। और हाँ एक चीज और बता दूं दोस्तों, हमारे 100 बर्तन चिक्स ड्रिंकर के हैं उसमें से हम 60 ही रखेंगे, 40 को आज हटा देंगे, क्योंकि ऑटो ड्रिंकर काफी मात्रा में लगा दिए तो उनको पानी उसमें ज्यादा खाली कर देते बहुत जल्दी। तो अब स्पेस देने पे क्या प्रॉपरली जो है 75 बर्तन हमारे ये ऑटो ड्रिंकर के हो जाएंगे शेड के अंदर। ठीक है, और एक जो बॉक्स है एक बॉक्स के अंदर हम 10 जो है चिक्स ड्रिंकर रखेंगे, तो 60 ड्रिंकर वो हो जाएंगे और 75 ये हो जाएंगे, तो 100 के बाहर वैसे ही हो रहे हैं, तो हम इसको 50% को हटा देंगे। ठीक है ना, और फीडर के बर्तन जितने हैं वो सारे लगे हुए रहेंगे। तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे दोस्तों कि हम जो है बर्ड्स को किस तरह स्पेस देते हैं, तो आप जो है प्लीज वीडियो में बने रहें। हमारे यहाँ जाली लगी हुई है दोस्तों, आपको बता दें उस जाली को खोलना है और ये पूरा बॉक्स जो है खुला हो जाएगा एकदम से, देखना आपको दिखा दे दोस्तों। ये जाली जो है दोस्तों मैंने फार्म खोला था उस टाइम लेकर अभी तक यही चल रही है, लेकिन अब ये खराब हो गई जगह जगह से टूट। तो दोस्तों देखिए इस जाली को जो है ऐसे रोल कर लेंगे हम, ताकि क्या है अपने जो बर्ड्स है इधर पूरे में प्रॉपरली आ जाएंगे। इसमें क्या है ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें तो क्या है कि पहले से अपन ने जाली लगा रखी थी उस हिसाब से हम स्पेस देते हैं, ताकि क्या है बर्ड्स को अपन स्पेस देने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये खोलने को हम पहले भी खोल सकते थे, लेकिन ठंड का थोड़ा माहौल ज्यादा है। मैं बता दे गर्मी का जब मौसम होता है ना दोस्तों, तो हम 8 दिन के प्रॉपर पूरे फार्म के अंदर बर्ड्स को कर देते हैं। ठीक है ना, और अभी जो है हमारे उस वाले शेड के चिक्स इसके अंदर ही है, तो उसके अंदर भी हम 1300 बर्ड्स को उस साइड में शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए हम इसका बॉडी वेट के ऊपर ध्यान देंगे, अगर बॉडी वेट अच्छा होगा तो हम 16-17 दिन पे दे देंगे, नहीं तो 18 दिन तक वेट करेंगे उस सर्दी का मौसम में। अगर गर्मी का मौसम होता है या बरसात का मौसम होता है तो हम 14 दिन पे उस शेड के अंदर स्पेस दे देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो आप देखिए बर्ड्स इसके अंदर कैसे आते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों पहले जो है हम बर्ड्स को बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब की बार इसको जो है बुलाने पे हैबिट पटकी नहीं अब की बार इसको, तो इसको इस डंडी के माध्यम से लाएंगे अगर ऐसे नहीं आएंगे तो। और अब जो अभी लास्ट में कल की हमारी 7 मॉडल्टी है दोस्तों,
क्योंकि लीवर की दिक्कत थी, लियोटोनिक हमने लगाई नहीं थी, वो साउंड की मेडिसिन लगाने के चक्कर में। आज हम जो है लियोटोनिक लगाएंगे दोस्तों, वो भी आपको वीडियो बना के डालेंगे उसकी भी। तो दोस्तों अभी जो है हम बर्ड्स को स्पेस दे रहे हैं, आज तक हमारी जो फाइनली 41 मॉडलिटी हुई है दोस्तों, 4420 बर्ड्स आए थे उसमें 41 मॉडलिटी हुई थी, तो उसमें हमारे 10 दिन कवर हो गए हैं। आज हाँ 10वां दिन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धीरे तो मत करे, अभी आ रहे नहीं है तो अब इस डंडी से लाऊंगा मैं। ये क्या है, अभी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम इस प्रकार सारे की जालियां खोल के और बर्ड्स को इधर करके दाने के बर्तन सेट करके और उसके बाद के अंदर आपको बताते हैं कि पोल्ट्री फार्म में क्या कंडीशन है। ठीक है, आज हमने जो है पानी के बर्तन भरे नहीं दोस्तों, क्योंकि हम जो इसके 50% पानी के बर्तन हटाएंगे छोटे वाले, तो इसलिए मैंने कहा अभी भरेंगे नहीं, अब जो है पूरा काम कंप्लीट करेंगे हम। तो इसको पूरा सेटअप बना के उसके बाद आपको वीडियो शेयर करते हैं दोस्तों, आप प्लीज वीडियो में बने रहें। फाइनली दोस्तों अपन ने जो है कंप्लीट काम कर दिया है, बर्ड्स को जो है स्पेस दे दिया। आप देख सकते हैं पीछे जो बिना सीलिंग का है, इस एरिया में भी हमने बर्ड्स को जगह दे दी है और बर्तन जो है दाने के और पानी के उनको भी प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। अब इसमें हमने क्या चेंज किया दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार देखिए, ये फीड के जो छोटे वाले चिक्स ड्रिंकर के हैं, इसके नीचे हमने स्टैंड को खड़ा रख करके इसके ऊपर रख दिया ताकि बर्ड्स जो है खड़ा होकर के फीड खाए। और उसी प्रकार जो है ये पानी के बर्तन थे उनको हमने हटा दिए हैं और एक पार्टीशन के अंदर 10 चिक्स ड्रिंकर रखे हैं, तो हमारे 60 चिक्स ड्रिंकर रह गए इस शेड के अंदर। प्रॉपरली बर्तन जो है बड़े वाले जेम्बो एक पार्टीशन के अंदर 20 है, तो सब में 20-20 कर दिए, 120 बर्तन है हमारे पास। ठीक है, और 70 बर्तन ये चिक्स फीडर के हैं और ये जो है 100 बर्तन चिक्स ड्रिंकर के थे, तो हमने 60 रखे इसके अंदर, बाकी 40 को हटा दिया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा पूरा हमारा शेड, और एक बार नाइट की वीडियो भी हम बना के डालेंगे दोस्तों, नाइट में क्या कंडीशन रहती है, और नाइट में अगर ज़्यादा दिक्कत होगी दोस्तों तो फिर उसके बाद में जो के अंदर मटकी में कोयला जला के रखेंगे, क्योंकि अपन को हैंडलिंग नहीं होने देना बर्ड्स को, और बर्ड्स जो है कोना नहीं पकड़ना चाहिए, बर्ड्स जो है राउंड करना चाहिए, फीड इनटेक उठाना चाहिए और वाटर इनटेक उठाना चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो अपन को अच्छे से पैकिंग करेंगे और एटर का ध्यान रखेंगे पूरा से पूरा। तो दोस्तों ये हमारी आज की बनाई वीडियो आपको कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।